चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700-49-75। सिसवन प्रखंड के नंदामुड़ा गांव में पूर्व विधायक स्वर्गीय जगमातो देवी का 50वीं जयंती सह श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश आरएसएस के प्रमुख नेता देवराज जी, आचार्य केशव जी, सिवान सांसद कविता सिंह, जदयू जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव, जदयू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह के साथ कई एनडीए के नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर समाज रत्न सम्मान, शिक्षा रत्न सम्मान, धर्म चेतना रत्न सम्मान, धरती पुत्र सम्मान, युवा रत्न सम्मान, खेल रत्न सम्मान, कला रत्न सम्मान, चिकित्सा रत्न सम्मान, महिला रत्न सम्मान के साथ सिवान के सभी पत्रकारों को कोरोना संकट मोचन सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सिवान सांसद कविता सिंह ने कहा कि माँ जगमातो देवी बृहद परिवार संचालन की प्रेरणा थी। माता जी अपने ही परिवार के समान पूरी जनता को समझती थी। उन्हीं के आशीष व बताए मार्ग पर चलकर ही हम सभी को सेवा करने का मौका मिला। सांसद ने कहा कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति की पहचान है राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण। कविता सिंह ने कहा कि इस मंदिर के निर्माण में तन मन धन को समर्पित करना गर्व और गौरव की बात है। एक मिनट रुक इधर। चाहने वाले लोगों के तरफ से माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और साथ ही माता जगमातो देवी जी के 50वीं जयंती के उपलक्ष में
श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु धन समर्पण कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय सांसद जी के कार्यकर्ताओं और सभी राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रारंभ हो रहा है। आज माता जगमातो देवी जी की 50वीं जयंती है। इस उपलक्ष में हमारे मुख्य अतिथि अयोध्या से चल के आए हुए हैं श्री देवराज सिंह जी और आचार्य जो राष्ट्रीय स्तर के आचार्य हैं केशव जी महाराज जी, मैं उन्हें नमन करती हूँ। और माता जी की जयंती के उपलक्ष में सुबह से ही सुंदरकांड का पाठ हुआ और सभी अतिथि आए हुए हैं माता जी के चाहने वाले, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही इस शुभ अवसर पे यह आयोजन किया गया कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके निर्माण के लिए निधि संग्रह किया जा रहा है, यह भी कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे हम लोगों के साथ श्रीमती संगीता यादव जी आई हुई हैं, आचार्य राम प्रवेश पुरी जी आए हुए हैं, हमारे यहाँ पे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष जनता दलियों के श्री उमेश ठाकुर जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष मंसूर साहब हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने माता जी के कार्यक्रम में आकर और इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र धन संग्रह में आप लोगों ने आकर इस कार्यक्रम को शोभनीय बनाया, इतना सुंदर बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीवान का ही नहीं, पूरे देश विदेश में हमारे जो भी हमारे समाज के लोग हैं वह सभी प्रभु श्री राम जी के मंदिर निर्माण में सहयोग करें और यह मंदिर यह संदेश दे कि हमारी जो परंपरा है, हमारा जो सनातन धर्म है वह आगे बढ़े और सभी समाज राम राज्य की स्थापना की जो श्री राम प्रभु ने नींव रखी थी वह नींव मजबूत रहे। आज माता जी के हमारे 50वीं जयंती समारोह है, जयंती हो रहा है, मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष में इस बार के मुख्य कार्यक्रम है कि अयोध्या में हजारों वर्ष से विवादित श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण होने जा रहा है। पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर भव्य बनने जा रहा है और उसका संकल्प राष्ट्रीय संत सेवक संघ ने लिया है कि जितना भी धन लगेगा उसमें सरकार की पैसा नहीं लगेगी, पूरे भारतवासियों की पैसा लगेगी, भगवान राम के भक्तों की पैसा लगेगी और पूरे भारतवासी जो है उसमें धन समर्पण कर रहे हैं। उसका आज ये माता जी के 50वीं जयंती के उपलक्ष में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए धन समर्पण अभियान को आज शुभारंभ किया जा रहा है। आज से हमारे सभी कार्यकर्ता, पूरे सिवान जिला के सभी कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के सभी कार्यकर्ता, माननीय सांसद जी के सभी कार्यकर्ता, संघ के सभी टोलियों में लग करके और घर घर जा करके धन समर्पण का कार्यक्रम करेंगे। आज जिसकी शुरुआत हो रही है और उत्तर प्रदेश अयोध्या से चल करके हमारे बीच संघ के बौद्धिक प्रमुख उत्तर प्रदेश आदरणीय सरदे श्री देवराज जी आए हुए हैं, उनके हाथों से शुभारंभ होगा और कल से घर घर पूरे हिंदू समाज के, पूरे भारत माता के पुत्रों के यहाँ जाकर के और श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए धन समर्पण का कार्यक्रम सफल बनाने के लिए हम लोग कार्यक्रम करेंगे और घर घर जाएंगे, सभी लोगों को जगाएंगे। का ये कार्यक्रम है,
ये धन संग्रह का कार्यक्रम नहीं है, धन समर्पण करना है। चाहे 10 रुपया करे, चाहे 100 रुपया करे, चाहे 1000 करे, सभी लोगों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में स्नेह और प्रेम के रूप में 10 रुपया हो या 100 रुपया हो या 1000 रुपया हो या 1,00,000 रुपया हो, समर्पण करना है। इस अभियान को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाना है और सभी लोगों को जागरूक करके और 10 से लेकर के लाखों तक समर्पण करने के संदेश देना है।